आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश सरकार जनता से किए चुनावी वादों को धरातल पर लाने की तैयारी में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार आईडी जारी करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस योजना का ऐलान किया है। राज्य के हर परिवार को परिवार आईडी मुहैया कराई जाएगी। इस आईडी के तहत राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। इस डेटाबेस के जरिए हर एक परिवार की जानकारी सरकार इकट्ठा करके हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर मुहैया कराएगी। इस योजना से जुड़ी बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का वादा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाए। आगे सीएम योगी ने कहा है कि हर परिवार की अलग परिवार आईडी व फैमिली पासबुक में उनसे जुड़ी सभी जानकारी होने से सरकार के पास एक डेटा होगा। इस डेटा के तहत हर एक परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, बता दें कि यूपी में हर परिवार को लाभ मिलेगा। रोजगार देने के मुद्दे को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। बता दें प्रदेश में हर परिवार की अलग फैमिली पासबुक बनाए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमसे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी, रोजगार देने के मुद्दे पर क्या यूपी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को रोजगार के मुद्दे पर घेरता रहता है। मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जो विचारधारा के अनुरूप जो अंत्योदय का लक्ष्य है जब तक हम सामर्थ्यवान समृद्धिशाली नहीं बना लेंगे तब तक हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना करना बेमानी है। उसी परिधि में जो भी जनहित के योजनाएं है, जनता के हित में जितना बेहतर हम कर सकते हैं उसी की श्रृंखला में आप देखिए वृद्धावस्था से लेकर किसान योजना में सबको लाभ दिया जाए, हर प्रत्येक दृष्टि से लेकिन ये जो मुख्यमंत्री जी की जो पहल है जिसपे आज समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्णय लिया है निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये बहुत ही निर्णायक कदम है। और विपक्ष के पास कुछ है नहीं मुद्दा करने का। चुनाव देवेंद्र जी, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास फिर आऊंगी। हमारे साथ विवेक पांडे हमसे जुड़े हुए हैं सपा से। विवेक जी, कैसे देखते हैं इस पहल को जिसको लेकर विपक्ष की भूमिका लगातार आक्रामक होती है? ये इस तरह की जो नीतियां हैं, जिस तरह की नीतियों को सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है जमीनी धरातल पे भी ये केवल और केवल समय काटने जैसा है। इस समय प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरी है बेरोजगारी से मुक्त करना, महंगाई से मुक्त करना, शिक्षा की दिशा में काम करना, चिकित्सा की दिशा में काम करना। लेकिन जिस तरीके से सरकार केवल और केवल समय काट रही है ये बहुत ही दुखद है और इससे एक अपरिपक्वता भी सामने झलकती है कि सरकार के पास
सलाहकार तो हैं, लेकिन वो सलाहकार भी सरकार को उसी सर्कस की तरह चला रहे हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि सरकार की छवि केवल धूमिल हो रही है। जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं, जिन मूलभूत मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है, उस पे सरकार काम नहीं कर रही है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा सवाल एक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी उठाया है कि रजिस्ट्री, तहसील से रजिस्ट्रियां निकल के पहले ये बता दीजिए पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां भाजपा के किन नेताओं ने करवाई है, कौन से भूमाफिया ऐसे हैं जो भाजपा के कार्यकाल में पनप रहे हैं। आप राशन कार्ड बनवाएंगे, परिवारों का राशन कार्ड, भाई आधार से तो लिंक करने की बात हो रही थी सारी संपत्तियों को, ताकि भ्रष्टाचार पे प्रहार किया जा सके। लेकिन मेन मुद्दा, मुख्य बात यह है कि सबसे ज्यादा उसमें भाजपा के नेताओं के नाम उजागर होंगे, इसलिए इस पूरी योजना को भी धरातल पे उतरने नहीं दिया गया और केवल भ्रष्टाचार का एक हिस्सा बना करके रोजगार को लेकर हमेशा से सरकार को घेरते आए हैं, उसको लेकर ये पहल की जा रही है। कहा जा रहा है परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को रोजगार तो आप तब देंगे ना जब सरकारी परीक्षाओं की भर्तियों के पर्चे लीक होने से रोक पाएंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की ये पहली सरकार है जिस सरकार की मतलब कार्यकाल में जितनी सरकारी परीक्षाओं के पर्चे आए उसमें 50% से अधिक पर्चे तो लीक हो चुके हैं। सरकारी नौकरियां तो बेची है इन्होंने, 2021 की यूपीएसआई भर्ती जिसमें कि सॉल्वर गैंग के लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं, फिर भी दरोगा भर्ती चल रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि बच्चों का भविष्य दांव पे लगा करके इस तरीके से केवल और केवल खिलवाड़ कर रहा है। और उससे बड़ी बात, ये तो संविदा को भी सरकारी आंकड़ों में जोड़ के दिखा देते हैं, ये तो मनरेगा नरेगा जैसी योजनाओं को भी सरकारी नौकरियां देने की उपलब्धि बताते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इनको समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी होती क्या है। भाई जी, सरकार की मानसिकता ही पकौड़े तलने से प्रेरित है। मुझे लगता है कि देखिए, जिसने ये कहा था कि पकौड़े तलो वो भी एक व्यवसाय है, उसका बेटा पकौड़े नहीं तल रहा है, लेकिन दूसरों के बच्चे पकौड़े तले, ये वो चाहते हैं। क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं कि लोग पढ़ें और लोग अपने भविष्य के लिए जागरूक हों और लोग मुद्दों पे जागरूक हों। ये सरकार केवल ये चाहती है कि लोग किसी तरीके से सामंतवादी व्यवस्था में दबे कुचलों की तरह जीवन निर्वाह करें। गरीबों को 80 करोड़ गरीब, जैसे ये वाबाई लेते हैं कि 80 करोड़ गरीब हमने मुफ्त राशन ले रहे हैं, 80 करोड़ जिस देश में गरीब हो आप उसकी वाबाई लूट रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे कि आपने गरीबों को और गरीब करने की दिशा में और एक प्रयास सार्थक कर दिया। भाई 5 किलो राशन पकाने के लिए 1200 का सिलेंडर, ये तो मुझे लगता है कि हास्यप्रद ही लगता है कि किसी और देश में शायद ही ऐसा कोई सुनने मिलता होगा कभी। ठीक है देवेंद्र जी, आपने विवेक पांडे को सुना, उनका कहना है कि आप चाहते हैं कि गरीब पढ़े ना, आगे ना बढ़े। जी जी, विपक्ष का ये जो प्रलाप है ये पूरे देश की जनता देख रही है, ये हाशिए पे है, जनता इनको हर दृष्टि से नकार चुकी है, इनके पास मुद्दे नहीं बात करने। आखिर आज जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया है प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को न्यूनतम रोजगार देने की, इस पर इनको दर्द क्यों हो रहा? इनको तो आगे बढ़ के हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सरकार के कदम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सत्ता के भूखे तो दे दीजिए, ये लोग पहले सरकार के अच्छे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा तो दे दीजिए, प्रशंसा करने की जगह ये हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने को तैयार रहते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, पहले कह दीजिए कि हर परिवार के बच्चे को निशुल्क शिक्षा तो दे दे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय तो दम तोड़ रहे हैं। इन्होंने 2020 की शिक्षा नीति में प्राथमिक विद्यालयों को निजी विद्यालय संस्थानों के गोद में देने का काम किया है, उस पे ये बात नहीं करेंगे। ये तो अपने व्यापारिक क्षेत्रों को शिक्षा माफियाओं को शिक्षित करने के लिए सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय है उनको भी उनकी गोद में डाल रहे हैं। और जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से पढ़ेगा ये बताइए। जब एक युवा आगे परिपक्वता जब उसके अंदर नहीं आएगी, ये कहाँ से रोजगार देंगे? केवल उससे मिट्टी ढुलाई करवाएंगे, सीमेंट उठवाएंगे, इसको आप रोजगार मानते हैं क्या? नरेगा और मनरेगा को ही केवल आप रोजगार मानते हैं क्या? रोजगार कई तरीके के होते हैं, सरकारी नौकरी देने की बात सब हो रही है, न्यूनतम देने के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को दिया जाएगा, बाकी नौकरियों की प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार को नौकरी कहां से देंगे जब वो शिक्षित ही नहीं होगा? किसको रोजगार मिल रहा? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं, युवाओं को मिल रहा है? आप क्या चाहते हैं कि अनस्किल्ड लेबर आपके उत्तर प्रदेश में तैयार हो? अनस्किल्ड लेबर तैयार करना चाहते हैं क्या आप? ठीक है, फिर आपके कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है विपक्ष के मुद्दे पर सरकार की ये बेहतर पहल है और एक अलग साबित होगी ये पहल? मलिक जावेद जी, आपको आवाज आ रही मेरी?
शायद उनके नेटवर्क में कुछ समस्या है। जी फिर से मैं आपके पास जुड़ने की कोशिश करूंगी मलिक जावेद जी। तो विवेक जी आप अपनी बात पूरी करें। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की आबादी मान लीजिए 27 करोड़ के आसपास है, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि 2 करोड़ रोजगार तो इनकी केंद्र सरकार दे रही भाई पूरे देश के अंदर, और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को ये रोजगार देने जा रहे हैं, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को। पहल अच्छी है, मैं स्वागत भी करता हूँ इसका, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरा एक सवाल जो मूलभूत सवाल यही है कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक हर परिवार का कोई शिक्षित नहीं होगा, तब तक आप क्या केवल अनस्किल्ड लेबर की एक फौज खड़ी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आपकी शिक्षा नीति दम तोड़ रही है, शिक्षा माफिया मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं, शिक्षा माफिया मनमाने तरीके से इस तरीके से फीस वसूल रहे हैं, कॉपी किताबों पे फीस वसूली जा रही है, 40% लगभग वृद्धि हो चुकी है फीस में, बच्चों को लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और आप अनस्किल्ड लेबर की एक फौज तैयार करने जा रहे हैं। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ कि क्यों आपने निजी संस्थानों को गोद दे दिया? क्या उत्तर प्रदेश की प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की मात्रा है बराबर पढ़ाने के लिए? क्या उत्तर प्रदेश का शिक्षा नीति 2020 आपके ऊपर सवाल खड़े नहीं करती है? अगर आपकी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है तो प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी और निजी संस्थानों के हाथों में सौंपने की क्या आवश्यकता थी? देवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। हेलो देवेंद्र, आपकी आवाज आ रही है देवेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। आवाज आ रही है, शिक्षा को लेकर तमाम अच्छी स्थिति में आवाज आ रही है। कान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जी 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 आवाज आ रही है जी। ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं इस तरह की बात। मेधावी लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये उनको लेबर बनाने की बात करते हैं। इससे ऊपर उठने की इन्होंने न कभी चेष्टा की, ना आज इनका कोई प्रयास दिख रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे बयानों को, मैं क्या कहूँ। जनता दिख रही है, निर्णय लेंगे उचित। विवेक जी आपको आवाज आ रही? पैनलिस्ट तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें प्रदेश में हर परिवार की अलग परिवार आईडी व फैमिली पासबुक बनाए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजन से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। बता दें एक परिवार एक पहचान योजना के तहत राज्य के परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। इसे लेकर पर्याप्त 78,000 आवेदनों में से 33,000 से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार किया जाए, प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित ना रहे, इसे लेकर तैयार होने वाला डेटाबेस योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण व जन सम्मान के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने में सहायक होगा। साथ ही परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का
बता दें कि परिवारों को चिन्ह करके उन्हें रोजगार के समुचित अवसर पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, जिसमें देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे हमसे सपा से जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र जी, आपने विवेक पांडे को सुना होगा, उन्होंने शिक्षा को लेकर, मुफ्त शिक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं, प्राथमिक स्कूल को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जवाब दे दीजिए। जी जी, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, आप उसका भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं, कहीं भी सत्यापन कर सकते हैं, लगातार कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सुधार किया जा सकता, सरकार उस पर सतत प्रयत्नशील है और बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही है। आज ये क्या बात कर रहे हैं, आज का जो मुद्दा है जिसपे ये किसानी बिल्ली खंबा नोचे, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को करने की बजाय उसकी निंदा करके, उसकी बुराई करके, सरकार को कंधे में खा करके अपने को विपक्ष साबित करने का कुछ प्रयास कर रही है, जिसे जनता देख रही है। और आने वाले 2000 अभी नगर निगम चुनाव में परिणाम देखा है, 2024 अभी जनता इनको बताएगी कि जनहित का काम कौन पार्टी ईमानदारी से करती है। सर, लेकिन अभी कई ऐसे तमाम विद्यालय हैं, तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पे काम की जरूरत है, तमाम ऐसी खबरें आती हैं जहां पर बच्चों से काम करवाया जाता है, टीचरों की कमी होती है, ये किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति एकदम ठीक है? नहीं, सुधार पे लगातार सुधार हो रहा है, जो भी चीजें जहाँ भी दिखाई पड़ रही है, जो कमियां उसको लगातार सरकार उस पर बहुत ही बारीकी से निगरानी कर रही चीजों को और ठीक कर रही है। अभी कुछ इंजीनियर में कुछ कई जगहों पर कुछ समस्याएं हैं और उस पर पूरी निगाह है सरकार की, बिल्कुल चिंता न करें, ये सरकार का काम है, सरकार अपने हिसाब से करेगी इसको और समयबद्ध तरीके से करेगी, समय सीमा के अंदर। विवेक जी, देवेंद्र जी को आपने सुना, आपने प्राथमिक विद्यालय को लेकर सवाल खड़े किए, तो उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति एकदम ठीक है? देखिए, आदरणीय देवेंद्र जी का धर्म बनता है कि वो अपनी सरकार की कुनीतियों को, अपरिपक्व नीतियों को किसी तरह डिफेंड करें। भाई, बेसिक शिक्षा विभाग का आंकड़ा है, अब सुन लीजिए, बेसिक शिक्षा विभाग का आंकड़ा है जो कि इन्हीं की सरकार के नियंत्रण में है, कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,43,926 शिक्षकों की कमी है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए, आप केवल और केवल शहरों को देखते हैं, लखनऊ देखते हैं, सीतापुर देखते हैं, उन्नाव देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उनसे जुड़े हुए परिक्षेत्र हैं, जैसे उन्नाव से 150 किलोमीटर दूर चमरौली एक जगह है, वहां पे मान लीजिए आप यकीन नहीं करेंगे, 130 छात्रों पे 3 अध्यापक और 4 कमरे हैं मात्र, और वही संचालन भी कर रहे हैं ऑफिशियल वर्क का भी, और वही पढ़ाई भी करवा रहे हैं, वही पूरा रिपोर्टिंग भी करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां उसको स्वीकार करना चाहिए। और भाजपा वालों में मुझे एक समझ में नहीं आता, जैसे इन्होंने एक नुक्ता दे दिया, अभी नुक्तों की बोलिए मैं फौज बाढ़ लगा दूं, हम तो पूर्वांचल से आते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नुक्ते बोले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक मर्यादा की महीन लकीर होती है उसको मैं लांगूंगा नहीं, ये सम्मानित है, मुझसे आदरणीय है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि फिलहाल प्रदेश को बहुत आवश्यकता है ये समझने की कि जिस प्रदेश में 27 करोड़ जनसंख्या में आप कह रहे हैं कि हर परिवार को अगर आप एक सरकारी नौकरी भी देंगे, अगर मैं कहूँ वो आंकड़ा आप 27 लाख भी पकड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अपरिपक्व बयान है, क्योंकि जिस तरीके से उद्देश्य अच्छा है, बिल्कुल उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य में कोई शक नहीं दिखाई देता, होना भी चाहिए, यह हर सरकारों का होना चाहिए, लेकिन नीति की बात जब करेंगे, इसको क्रियान्वित करने की जब नीति पे आएंगे ना, तो मुझे लगता है उसकी कोई ग्राउंड योजना आपके पास नहीं है। पहले कार्यकाल में 1043 MOU साइन करवाया था आपने, जिसमें कि आज तक 500 उद्योग आप धरातल पे नहीं ला पाए। दूसरे कार्यकाल में 32,00,000 करोड़ का आपने MOU साइन कराया, मुझे लगता है वो भी इंडस्ट्रीज अभी केवल वो समिट हो गई और गायब हो गए हैं सब, अभी तक कोई धरातल पे कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई इंडस्ट्री आ गई हो, सिविल वर्क पूरा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लांट लग गया, प्रोडक्शन चल गया, एक्सपोर्ट शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कागजी वाहवाही खींचिए, 2023 का चुनाव सामने है, वैसे भी 15 साल सत्ता से बाहर थे, अब की बार 30 साल सत्ता से बाहर जाएंगे। ठीक है, जावेद मालिक, जावेद हमसे जुड़ चुके हैं, सर ये पहल को आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, पहल तो योगी जी मोदी जी मास्टर है पहल करने में और मास्टर स्ट्रोक लगाने में, लेकिन इनका कोई भी काम जमीन पे नहीं दिखता है।
आज हमारा देश जो संकट में है वो केवल बेरोजगारी की वजह से संकट है। हमारे युवा जो है वो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौकरियां खाली थी सरकारी, वो भर दें योगी जी अगर इतना मतलब रोजगार देने को इच्छुक है और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्लस्टर बनाने की बात कर रहे थे कि हम क्लस्टर बनाएंगे, उद्योग लाएंगे, एमएसएमई में काम करेंगे, आप मेरठ में खेल उद्योग होता था सब फट पड़ा है, आगरा में चमड़े का व्यापार होता था वो सब फट पड़ा है, कानपुर में चमड़े का व्यापार होता था वो सब फट पड़ा है, कौन सा क्षेत्र भदोही में कारपोरेट इंडस्ट्री वो ठप पड़ी है, सहारनपुर में लकड़ी का काम होता था वो ठप पड़ा है, तो कौन से क्षेत्र में इन्होंने काम किया, और बनारस में बनारसी साड़ी बिकती थी उसका क्या है, बुनकर अपने बिजली के बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, इतनी महंगी बिजली है, पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली यहाँ है, तो उद्योग कैसे लगेंगे, कारखाने कैसे लगेंगे। ये सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, केवल ये हर हर 5 दिन के बाद एक जुमला उछालते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया। लेकिन पता है, लगता है कि आप सब्जी मंडी उठा लिए, कल ही संभल की सब्जी मंडी में एक किसान को अपनी प्याज खा रहा था सड़, उसको उठा के फेंक दिया। तो देखने वाली बात है, तो ये उत्तर प्रदेश जो है सड़ प्रदेश बन चुका है, पूरी दुनिया में ये पहला प्रदेश है जहाँ पे आदमियों से ज्यादा सड़कों पर सड़ चल रहे हैं। तो किस चीज में काम किया है इन्होंने, रोजगार देने में पूरे विफल है। हाँ, इन्होंने जमीन घोटाला किया है, अयोध्या में 2 करोड़ की 20 करोड़ में जमीनें बेची है, भगवान राम को भी इन्होंने बदनाम कर दिया, महाकाल का कॉरिडोर बनवाया था 836 करोड़ का, मोदी जी ने उद्घाटन किया था 2 महीने पहले, उसमें भी घोटाला कर लिया, सप्त ऋषि की मूर्तियां हो या और भगवान की मूर्तियां हो सब हवा में उड़ गई। तो यह 50% की कमीशन खोर सरकार मध्य प्रदेश में चल रही, यहाँ तो उससे बदतर हाल है। तो उत्तर प्रदेश का युवा माफ नहीं करेगा और किसान का तो आप देख लीजिए क्या हाल है, किसान सबसे ज्यादा रोजगार देता था कृषि क्षेत्र में मजदूरों को, और अलग अलग चीजें खरीदता था, बीज खरीदता था, खाद खरीदता था, डीएपी खाद का खाता 800 रुपए का आता था, मेरे टाइम तो अब 2000 का आता है, बिजली इतनी महंगी है तो उद्योग काम ही नहीं करेगा, पूरी दुनिया में कोई आएगा ही नहीं। हाँ, ये आएगा कि 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया, ये हंसने वाली बात है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया पिछले 10 साल में, लेकिन योगी भी 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ये जा कहा रहा है इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा आ रहा है उत्तर प्रदेश में दुनिया, तो जा कहा रहा है, इनसे पूछना चाहेंगे, 10 लाख पद भर दो भाई भाजपा वालों, 10 लाख पद भर दो और युवाओं को रोजगार दे दो। ठीक है देवेंद्र जी, ये जो आपकी पहल है, आपका वादा है, सिर्फ जुमला है, देश का जो युवा है आपको माफ नहीं करेगा, ये कहना है मलिक जावेद जी का। जी जी जी, मलिक जावेद जी के पास इसके अलावा कोई विकल्प है क्या? ये इनको ईमानदारी की बात तो ये कि प्रदेश के जनता के लिए ये लिया गया निर्णय, जिसको इनको खुले मंच से, खुले दिल से इनको प्रशंसा करनी चाहिए, उस प्रशंसा करने की जगह ये ठीक है विपक्षी धर्म का पालन निभा रहे हैं, लेकिन सार्थक जो विपक्षी पाल होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। कहना है कि सिर्फ वादे होते हैं, धरातल पर आपके जो वादे किए जाते हैं वो उतरता हुआ नजर नहीं आता। जी जी, इनको अब आप ही बताइए, इनको प्रवक्ता महोदय इस पर ध्यान दें, हमने युवाओं के हित में, किसानों के हित में, घर घर हम लोगों ने हर परिवार को कोरोना से चल रहा है लगा, अभी गल्ला मोटा अनाज दे रहे हैं लगातार, और जनता से जो भी हम वादे किए उसको पूरा करने का प्रयास हमने हमेशा किया ईमानदारी से। ये लोग जो जिन्होंने कभी ईमानदारी से प्रदेश के विकास के लिए काम नहीं किया उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती आपकी। आप ये बताइए, आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, तो नगर निगम की भी हो गई ट्रिपल इंजन की सरकार, कितनी तेज चलती है ये आने वाला भविष्य में दिखेगा और जनता देखेगी। अगर हमारे काम पसंद आएंगे, हमारी योजनाएं पसंद आएंगी, हम उसका बूथ स्तर पर प्रयास कर रहे हैं प्रचार प्रसार का, और आपको भी सबको पता है कि 30 मई से 30 जून तक हमने जो योजनाओं का प्रचार प्रसार का काम जो अभियान छेड़ा है उसके बहुत ही सार्थक परिणाम आने वाले हैं। ये अपने दल की चिंता करें, हम अपने दल की चिंता करें, हमें जनता के हित में क्या निर्णय लेना है, आज हमारी सरकार है, हम उस पे जो भी होगा उस पे हम बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है विवेक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये जो फैमिली पासबुक की जो ये योजना है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, तो क्या लगता है ये जनता के मुद्दों पर विपक्ष के संघर्ष का असर है या फिर चुनावी है? नहीं देखिए, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि ये जो यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना ये लाए हैं,
इसका मुख्य उद्देश्य जो बताया जा रहा है वो ये है कि कई ऐसे परिवार है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कैटेगरी में नहीं आते, फिर भी वो लाभ ले रहे हैं। तो वो लाभ ले रहे हैं तो मुझे ये बताया जाए कि राशन कार्ड का क्या महत्व रह गया फिर भाई? ये जो योजनाओं का लाभ गलत तरीके से दिया जाता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण मिलता है। तो अगर आप ये कार्ड लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप राशन कार्ड को निरस्त करने जा रहे हैं? अगर ये कार्ड है, जैसे ये जो परिवार कल्याण कार्ड योजना ला रहे हैं, तो राशन कार्ड तो अर्थहीन हो गया। तो इसके आधार पे आप सुविधाएं देंगे कि राशन कार्ड का भी कोई महत्व रहेगा, इसको भी पहले स्पष्ट कीजिए। ये केवल और केवल वैसा है, इनकी ये योजना अंतिम दस सेकेंड ये इनकी योजना बिल्कुल वैसी है जैसे मोदी जी ने 2000 की नोट लॉन्च की थी भ्रष्टाचार पे प्रहार करने के लिए, लेकिन 2000 की नोट से भी वो भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो नोट को ही बंद कर दिया। ये बिल्कुल वही योजना है। भ्रष्टाचार रोकने की नियति नहीं है, समय काटने की नियति है। ठीक है देवेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम समय सीमा में जो मूर्त रूप देना है प्रत्येक परिवार के हित के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसको हम धरातल पर उतार कर दिखाएंगे, और जो हमने कहा सो किया, हमारी कथनी है। राशन कार्ड का तो बता दीजिए, सवाल का राशन कार्ड को लेकर सवाल किया गया है, जवाब दे दीजिए देवेंद्र जी। जी, राशन कार्ड के आधार पर ही ये भी चिन्हित किया जाएगा प्रत्येक परिवार को जो भी कार्ड धारक है, उसमें ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है कि जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, और ये सुविधा देखी जाएगी, इसका डाटाबेस तैयार होगा और उचित इस पे निर्णय लिया जाएगा। और जिनके खिलाफ आपका जो कहना है कि पात्रता की बात है, तो जो भी आप लोग एप्लीकेंट है उन पर निर्णय लिया जाता है, जिसके खिलाफ कोई शिकायत होती है उस पर जांच होती है, उस पर निर्णय लिया जाता है समय जो भी उचित समय पर। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें यूपी में हर परिवार को लाभ मिलेगा, सरकार एक ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि राज्य के हर परिवार को परिवार आईडी मुहैया कराई जाएगी। इस आईडी के तहत राज्य की परिवार इकाइयों का 1,00,000 व्यापक डाटाबेस स्थापित होगा। इस डाटाबेस के जरिए हर एक परिवार की जानकारी सरकार इकट्ठा करके हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर मुहैया कराएगी, ये वादा किया गया है। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।